चंदनपुरा तालाब में मछली पकड़ने को लेकर दो संस्थाओं के बीच चल रहा विवाद अब मुख्यालय पहुंच गया है। सोमवार को मत्स्य उद्योग सहकारी समिति जेठवाई के बैनर तले बड़ी संख्या में महिला पुरुष और समिति सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे। दबंगों माफियाओं और बिचौलियों से वास्तविक मछुआरों को बचाओ, चंदनपुरा तालाब वास्तविक मछुआरों को दो, जिसे नारे लिखी तख्तियों को हाथ में लिए प्रदर्शन किया। डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उक्त तालाब पर उनकी संस्था को मछली पकड़ने के अधिकार देने की मांग की है। समिति के गणेश बाथम ने आवेदन में बताया कि करीब 100 से अधिक लोग मछली पालन व्यवसाय पर आश्रित हैं। पूर्व में भी चंदनपुरा तालाब पर मत्स्य खेत का अधिकार था, वर्तमान में संस्था बदल जाने के बाद से विवाद की स्थिति बन रही है। समिति सदस्यों ने वर्तमान संस्था को भंग कर उन्हें अधिकार दिलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हमको चंदनपुर तालाब चाहिए। हम मछुआरे 150 बस्ती के इंसान हैं, मतलब जो 150 घर की बस्ती है, और हनी हमको तालाब का हक पूरा चाहिए। हम आज मछुआरे हैं, मछुआरे हैं, कुछ धंधा नहीं है हमारे पास, धंधा कुछ हम दाढ़ी नहीं करते, हमारा मच्छी का धंधा है। हमारा चंदा है, मेरा नाम जेठवाई सा है। हमको तालाब चाहिए, अब हमारा धंधा तो यही आ गया, तो अब हमारे पास तालाब नहीं रहेगा तो हम बच्चे को काय में पालेंगे? हमारे पास कोई नौकरी उकरी तो है नहीं जो हम बच्चे उनको नौकरी से पाल देंगे। सरकार ने हमको कोई नौकरी दी नहीं, हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी में क्या होता है? अभी क्या समस्या? अभी ये समस्या है कि हमको तालाब चाहिए, बस ये समस्या है। चंदनपुरा का तालाब हमको चाहिए, ब्राह्मणपुरी चंदनपुरा का हमारा हक पूरा चाहिए। हमारे बच्चे को क्या करेंगे, हम क्या खिलाएंगे? 100-150 मनखे, हम 200 मनखे, ऐसे 200। साहब हमारा मामला ये है कि एक अपात्र संस्था बनाई गई है, मत्स्य उद्योग सरकार समिति मर्यादित बामनपुरी, जिसमें मछुआरे समाज के नहीं होते हुए भी वो संस्था गठन किया गया। उसकी हमने मछली विभाग से भी जांच करवाई है, डीआर साहब ने भी जांच करी है, उस संस्था को अपात्र पाया गया है, उसको परिसमापन पे डाल दिया गया है। मछली विभाग ने जांच में लिख के दिया गया है कि वो अपात्र लोग है, उसके बावजूद भी वो लोग गए और जीआर में केस लगा दिया, और उसे उस सारी रिपोर्ट को देखते हुए भी जीआर साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें स्टे दे दिया। इसलिए ये हमारे 500 मछुआरे भाइयों का खनन किया गया है इंदौर जीआर कोर्ट में। हम चाहते हैं कि उसको ध्यान से देखकर ही फैसला देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में ही फैसला दे दिया। आज हम लोग कितने बेरोजगार हैं, या आपके पीछे भी दिख रहे हैं, बच्चे बेरोजगार है, महिला बेरोजगार है, पुरुष मेरे नौजवान बेरोजगार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे ध्यान देकर, जो हमारी कल के साथ तारीख लगी है 12, उसमें ध्यान से निर्णय लेकर उस पर डिसीजन दिया जाए। जब बिहार साहब लिख के दे रहे हैं तो वो क्या गलत देते हैं क्या? जिले के उच्च अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि भाई ये संस्था अपात्र है, लेकिन वो जो बिचौलिए लोग हैं वो इस चीज को ले जाकर बिहार में जीआर में केस लगाकर पैसे के बल पे स्टे लेके आए। वो क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस स्टे को वहाँ पे खारिज किया जाए, ताकि हमारे ये जितने गरीब लोगों का रोजगार छीना जा रहा है वो छीना नहीं जाए, इनको रोजगार मिल जाए, और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। हमारा रोजगार एक ही है, मछली पकड़ के बेचना, बेच के अपने बच्चों का पेट भरना, वो मनोज रायकवार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।